नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं बबिता। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल हुआ है, तो वीडियो में वो खाना खाते हुए दिखे हैं। तो साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली है। तो वहीं आफताब के दिल्ली स्थित घर पर पुलिस ने छानबीन की है। तो उधर दिल्ली के एक ही परिवार के 4 लोगों का मर्डर उनके ही बेटे ने किया है। तो रिपोर्टर लाइव में आज इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी। तो ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी देंगे आपको हर खबर पर अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तो दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल हुआ है। तो वीडियो में वो खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें कोई दूसरा व्यक्ति खाना परोसता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी के मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले सत्येंद्र जैन का एक वीडियो जो है तिहाड़ जेल के अंदर मसाज कराते हुए का जो वीडियो था वो वायरल हो रहा था। आज ही एक वीडियो और वायरल होते हुए उनका जो वीडियो है खाना खाते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है, जहाँ सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर VIP खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। सत्येंद्र जैन का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो इस वीडियो में सत्येंद्र जैन जो है कह रहे हैं कि जिस तरीके का जो खाना मेरे को जेल के अंदर मिल रहा है, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया था। उसको देखते हुए सत्येंद्र जैन का एक भी सोशल मीडिया वीडियो और वायरल हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन को VIP ट्रीटमेंट जो है तिहाड़ जेल के अंदर देने को मिल रहा है। जेल की तरफ से पूरे सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौक चौबंद है, लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही हैं आए दिन, अभी कुछ दिन पहले भी सत्येंद्र जैन का वीडियो वायरल हो रहा था, लेकिन अब एक वीडियो जो आज खाना खाते हुए का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा था। खाने खाते हुए नजर आ रहे थे, उसमें जो है VIP खाना उनको दिया जा रहा था, लेकिन साथ ही उसमें कोर्ट के द्वारा भी उसमें कहा गया था कि आखिरकार जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि ED कोर्ट ने भी ये कहा था कि ये वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, वीडियो किस तरीके से रोक लगा दी गई थी कि आखिरकार इन पर रोक लगाई जाए, ये वीडियो क्यों लीकेज हो रहे हैं। लेकिन सत्येंद्र जैन का पूरी तरीके से यही सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कि सत्येंद्र जैन को VIP जो है ट्रीटमेंट है तिहाड़ जेल के अंदर दिया जा रहा है। लेकिन सत्येंद्र जैन की तरफ से याचिका भी जो है दारिज की गई थी, तो उसमें साफ साफ सत्येंद्र जैन ने कहा कि मैं बिना नहाए हुए और बिना मंदिर जाए हुए खाना नहीं खाता हूँ, पहले नहाता हूँ फिर उसके बाद मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करके भगवान के दर्शन करके मैं खाना खाता हूँ, मेरे को तिहाड़ जेल के अंदर जो है मंदिर भी जाने नहीं दिया जा रहा। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया है उन पर किया है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का जो वीडियो है पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो उसको देखते हुए भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने रंज करते हुए कहा है कि इस तरीके की वीडियो है सत्येंद्र जैन की जो इस पर आरोप वायरल हो रही है कि आखिरकार कौन ये किस तरीके की वीडियो वायरल है, किस तरीके का उन्हें VIP जो ट्रीटमेंट वहाँ दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी पे सवालों के घेरे में खड़े हो रही है। वहीं तिहाड़ जेल की बात की जाए तो तिहाड़ जेल भी पूरी तरीके से आरोपों के घेरे में खड़ी हो रही है। कोर्ट ने पूरे इस पर जो है वीडियो को जो वायरल हो रहे हैं इस पर रोक लगाते हुए कहा था कि इस वीडियो को जो है नहीं वायरल किया जाए, तो उसमें साथ साथ जो है वीडियो में साफ साफ नजर आ रहे हैं सत्येंद्र जैन की जिस तरीके का जो खाना आज उनको दिया जा रहा है VIP ट्रीटमेंट जो तिहाड़ जेल के अंदर दिया जा रहा है, तो उसमें पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पे कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन है तो सत्येंद्र जैन को इस तरीके के VIP ट्रीटमेंट क्यों दिए जा रहे हैं। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। तो वहीं दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के पालम इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर राजनगर पाटू के घर में 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। तो जानकारी के मुताबिक एक लड़के ने अपने माँ बाप बहन और दादी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी आकांक्षा त्रिपाठी। दिल्ली के पालम इलाके से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है जिसको सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा। दिल्ली के पालम के रहने वाले एक युवक ने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों को चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया, जिसमें उसकी सगी माँ, पापा, बहन और दादी शामिल हैं। युवक को नशे की आदत थी। बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही दिन पहले वो नशा मुक्ति केंद्र से वापस आया था, लेकिन उसकी आदत जिस तरीके से बनी हुई थी वो लगातार बनी रही और छूटी नहीं। ऐसे में अब कुछ दिन पहले जब वो वापस आया उसके बाद भी परिवार के सदस्यों से पैसे की बात करता रहा और घर के लोगों से मांगता रहा नशे के लिए पैसे। जब घर वालों ने इससे इनकार किया तो उसने अपने परिवार के सभी लोगों को चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि चीख पुकार की जब आवाजें आसपास के लोगों को पहुंची तो आसपास के लोगों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तमाम जो शव हैं उसके घर वालों के उनको बरामद किया। पूरे में खून खून फैला हुआ था। युवक ने चाकू गोदकर प्लानिंग के साथ परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले की अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और यही कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इस मामले के बारे में पूरी जानकारी मिल सके कि आखिर इसने सिर्फ पैसे के लालच में ही अपने परिवार के 4 सदस्यों को क्यों मौत के घाट उतारा। कैमरा पर्सन निकांत के साथ मैं आकांक्षा त्रिपाठी।
तो वहीं शारदा मर्डर केस में अब एक नया मोड़ सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने पहली बार एक लिखित बयान के जरिए अदालत को बताया कि उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों की कुछ हड्डियां और जबड़े का कुछ हिस्सा बरामद कर लिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। दिल्ली के अंदर हुए कुछ दिन पहले श्रद्धा मर्डर केस को देख की बात दिल्ली में हुए कुछ दिन पहले श्रद्धा मर्डर केस को लेते हुए तो वहाँ पर जो तुल है वो काफी पकड़ लिया गया कि श्रद्धा मर्डर केस को देखते हुए यहाँ के जो लोग हैं वो काफी रोडों पे उतरे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से अफ्ताज ने श्रद्धा के जो 35 टुकड़े किए थे उससे आखिरकार जिस तरह उसमें जो है कोर्ट में किए थे तो उसके टुकड़े किए थे तो उस टुकड़े को देखते हुए यहाँ पर लोग जो है काफी आक्रोश नजर आ रहे हैं। वहीं वकीलों की बात की जाए तो वकीलों के क्या भी जो है आक्रोश है वो काफी नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले अफ्ताब की जो यहाँ पर जो है बेल मांगी गई थी कि उनको जो है 5 दिन की बेल पुलिस की कस्टडी में रखा जाएगा। 5 दिन की कस्टडी के बाद अफ्ताब ने जो है एक भी कबूलनामा नहीं किया था, लेकिन उसने वकील के सामने कहा कि आखिरकार जिस श्रद्धा की जो मर्डर हुआ है उन्होंने वो मर्डर जो खुद ही किया है। तो श्रद्धा के साथ उसने कहते हुए कहा कि मर्डर मैंने खुद ने किया, लेकिन अब जो है दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से उसके अफ्ताब की जो पुलिस कस्टडी है वो बढ़ाने की जो मांग है वो कुछ दिन पहले हुए दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस को देखते हुए वहाँ के जो आसपास के लोग हैं काफ़ी लोग डरे हुए हैं। जिस तरीके से श्रद्धा का जो मर्डर हुआ था 35 टुकड़े उसके अफ्ताज ने जो चाकू द्वारा कराए गए थे तो उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की रिमांड और मांगी है अफ्ताब की। अफ्ताब ने कोर्ट में पेश होने से पहले कहा कि वकीलों के सामने कहा कि जिस तरीके का जो मर्डर किया था अफ्ताब श्रद्धा का तो श्रद्धा का मर्डर उसने अफ्ताज ने खुद ही किया था। उन्होंने वकीलों के सामने अपने आप को कबूल किया है कि श्रद्धा का जो मर्डर हुआ है वो मैंने ही किया है। उसके बाद में जिस तरीके से कल देर रात एक बड़ी दिल्ली पुलिस को जो है चीज़ हासिल लगी उसमें नोटबुक हासिल लगी, नोटबुक में अफ्ताब ने इसमें लिखा हुआ था कि 35 टुकड़े जहाँ अफ्ताब श्रद्धा के करे थे तो उसमें 35 टुकड़े के जो नोटबुक के अंदर लिखा था कि कहाँ कहाँ उसने नोटबुक फेंके हैं उस अफ्ताब श्रद्धा के जो टुकड़े थे उन टुकड़ों को कहाँ कहाँ फेंका है तो उसको नोटबुक के अंदर लिखता था। लेकिन अफ्ताब की जिस तरीके से नोटबुक जो पकड़ी गई तो नोटबुक से जो है काफ़ी चीज़ें वहाँ पर बरामद भी करने की जो बात है दिल्ली पुलिस कर रही है। पहले जो नोटबुक में उसने लिखा हुआ कि श्रद्धा के जहाँ 35 टुकड़े जो फेंके थे 35 टुकड़ों में अलग अलग बॉडी के टुकड़े हैं यहाँ पर फेंके उस नोटबुक के अंदर लिखता था जहाँ पहले टुकड़ा फेंकने के लिए जाता था श्रद्धा के तो अफ्ताब उसी नोटबुक के अंदर जो है नोट करता था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की जो रिमांड कस्टडी और मांगी अफ्ताब की तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से अफ्ताब की 4 दिन की जो है रिमांड कस्टडी है उसमें पुलिस कहाँ तक ये मामले को जो है सुलझा सकती है, कहाँ तक ये तुल पकड़ रहा है इस मामले को देखने के लिए पुलिस पूरी तरीके से समझाने बुझाने में लगी और सुलझाने में लगी है कि अफ्ताब जो है जल्दी से जल्दी इस कबूलनामा कर ले और इससे हथियार का भी अफ्ताब बता दे कि जिस तरीके मर्डर जो किया है श्रद्धा का जो मर्डर हुआ है उसका जो हथियार है उसे भी बरामद करने के लिए पुलिस जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही है। अफ्ताब से पूछताछ करने में लगे, पुलिस पूरे मामले में छानबीन करने में लगे था, अलग अलग ठिकानों पर जो है दबिश भी दे रही है कि अफ्ताब के साथ उसे ले जाया जाता है। आए दिन अफ्ताब जो है नए नए बयानों को बदलता है तो रोज डेली जो है पुलिस ने जो 4 दिन की जो कस्टडी है अफ्ताब की जो रिमांड कस्टडी है वो दोबारा से यहाँ पर कोर्ट द्वारा मांगी गई है। कैमरामैन निकांत के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। तो वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा ने आज सुबह बुरहानपुर के रास्ते पहले हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश में एंट्री कर ली है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिनकर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो कई तरह के सवाल खड़े किए गए। सवाल कि देश के युवराज कहे जाने वाले राहुल क्या 150 दिन 12 राज्य और 3570 किलोमीटर की यह यात्रा पूरी कर पाएंगे। राहुल गांधी पे कई तरह के सवाल खड़े किए गए, कभी उनके टी शर्ट को लेके तो कभी साथ में चल रहे कंटेनरों पर लगातार कटाक्ष किए गए, लेकिन राहुल इन सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए यात्रा में आगे बढ़ते गए। सितंबर की उमस भरी गर्मी में जब भारत जोड़ो यात्रा पटल पर आई तो सियासी पसीना दिल्ली के साथ ही कई राज्यों में बहने लगा और अब यह यात्रा आज 77वें दिन मध्य प्रदेश में एंट्री कर चुका है। इस यात्रा में राहुल गांधी ने अपनी एक छवि बनाई है, उस पप्पू वाले छवि से राहुल गांधी बाहर निकल कर आए हैं और राहुल गांधी एक देश में एक अच्छे उभरते हुए नेता के तौर पर सामने पेश हो रहे हैं। वहीं अब यात्रा जैसे ही मध्य प्रदेश में एंट्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में कमलनाथ एक्टिव रहे, कमलनाथ के साथ ही आज प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा कि मैं 4 दिनों तक अब भारत जोड़ो यात्रा के साथ कदम ताल मिलाऊंगी और इस यात्रा में शामिल रहूंगी। वहीं मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबका स्वागत होता है, राहुल गांधी का भी स्वागत है। वहीं थोड़े दिनों पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी इंदौर में, इसको लेकर भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज से 4 साल पहले 2018 में एक ऐसी ही यात्रा निकली थी
जिसे दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा का नाम देकर निकाला था और 13 सालों से सत्ता का सुखाड़ को कांग्रेस का दूर करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस को गद्दी पे बिठाया था, तो क्या इस बार की यह यात्रा आगामी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कारगर साबित होगी? ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। राहुल गांधी 13 दिन मध्य प्रदेश में देंगे, 3 दिन इंदौर में भी राहुल गांधी रहेंगे। क्या राहुल गांधी की उपस्थिति, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, सारे प्रियंका गांधी, सारे नेताओं की उपस्थिति क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी? ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। कैमरामैन निकी के साथ मैं दिनकर आनंद, इंडिया वॉइस। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज गुजरात दौरे पर है। तो यहां सीएम योगी गुजरात विधानसभा चुनाव में 4 विधानसभा क्षेत्रों में जनता को संबोधित कर वोट मांगेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विशाल मिश्रा। फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ आज गुजरात दौरे पर है, जहाँ उन्होंने 4 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को संबोधित किया। सबसे पहले सीएम योगी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उस जनसभा में आए हुए लोगों ने नारे लगाते हुए कहा, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, कि नारे गूंज उठे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ऐसे फायर ब्रांड नेता हैं जो जब जब विधानसभा चुनाव किसी भी राज्य में होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो पीएम मोदी के बाद सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार करने वाले सीएम योगी ही होते हैं। और जहां जहां पिछले रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो जहां जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करते हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी को जीत उन सीटों पर ही मिलती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का आज तीसरा दौरा है। बता दें कि पीएम मोदी गृह राज्य गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होने, जिसके परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे। इसी के साथ ही हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले भी गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। आज गुजरात में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने रैलियां की, जहां युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। हिमाचल में विधानसभा चुनाव हो या गुजरात में विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी के पास सबसे ज्यादा सीएम योगी की डिमांड होती है और सबसे ज्यादा जनसभा को सीएम योगी ही संबोधित करते हैं। और अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की पिछली चुनावी रैलियों की बात की जाए तो जिस विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, उसमें अधिकतर सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कैमरामैन निकांत गुप्ता के साथ विशाल मिश्रा, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो वही सीवी आनंद बोस ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में बुधवार को शपथ ली है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें शपथ दिलाई। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। सीवी आनंद बोस बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। उन्होंने आज इस पद पर शपथ ली है और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव ने उनको राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो शामिल रही इस शपथ समारोह में। उनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष बमान बनर्जी और उनके अलावा और भी नेतागण अधिकारी इस शपथ समारोह के दौरान मौजूद रहे। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी इस शपथ समारोह में शामिल नहीं हुए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने आरोप लगाया कि शपथ समारोह का जो इंतजाम था ममता सरकार की तरफ से किया गया था और उनकी तरफ से समारोह में बैठने के जो इंतजाम किए गए थे उनमें जो विधायक बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे, उन विधायकों के पीछे हमारी कुर्सियां लगाई गई थी, जो हमें ठीक नहीं लगा, जिसके चलते हम इस समारोह में शामिल नहीं हुए। वहीं आनंद बोस की बात करें तो वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं। वो 1977 बैच के रिटायर्ड अधिकारी हैं, केरल कैडेट से थे और 2011 में वो अपने पद से रिटायर्ड हुए थे और 17 नवंबर को उनको बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था और उन्होंने इस पद पर ला गणेशन की जगह ली। तो वहीं 25 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ आ रहे हैं। तो यहां पर वो तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के अलावा तकरीबन 15,000 बुद्ध जीवों के साथ भी संबोधन करने वाले हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। नगर निगम चुनाव की सभी तैयारियां सभी पार्टी अपनी तरीके से कर रही हैं। उसी के सिलसिले में परसों यानी 25 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ जनपद में दौरा है। आप देख सकते हैं कि नुमाइश राउंड में किस तरह तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं।
मुख्यमंत्री यहाँ 25 नवंबर को पार्टी के तकरीबन 15,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के प्रत्याशी मोहम्मद मुरकान ने नगर महापौर का चुनाव जीता था, यही कारण है कि मुख्यमंत्री इस बार स्वयं तैयारियों का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर 75 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री 25 नवंबर को यहाँ करेंगे। कैमरा पर्सन सौरभ उपाध्याय के साथ मैं प्रदीप पुनीर, इंडिया वॉइस अलीगढ़। तो वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग का अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। डॉक्टरों की लापरवाही से जन्म के बाद ही एक बच्चे की मौत हो गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल कुमार। आज के वैज्ञानिक युग में हम आज अपने आप को एक बड़ी तकनीकी के साथ गुजर रहे हैं और तकनीक पर काम चल रहा है, लेकिन वहीं बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तो एक दयनीय सोच सामने नजर आई है। फिरोजाबाद में जहां एक प्रसूता अपने बच्चे को जन्म देने के लिए इलाज के लिए भटकती रही, कसूर सिर्फ इतना था कि वो HIV पॉजिटिव थी। महज इस वजह से मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती नहीं किया गया, काफ़ी देर तक उसे भर्ती कर तो लिया गया लेकिन उसके बाद डिलीवरी में उसके बच्चे की मौत हो गई। पूरे मामले के बाद जब परिवार ने हंगामा काटा तो वहीं मौके पर पहुंची मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने जांच बैठाकर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन पूरे मामले में अगर बात की जाए तो एक बड़ा ही निंदनीय घटना है, क्योंकि लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही सामने आई है उस वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। और मामला फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र का है जहां मेडिकल कॉलेज में गई एक प्रसूता को महज इसलिए एडमिशन भर्ती नहीं किया गया क्योंकि वो HIV पॉजिटिव थी। पूरे मामले में अब जांच की बात कही जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अपने आप में पूरी घटना एक शर्मनाक घटना है। फिरोजाबाद से अतुल कुमार, इंडिया वॉइस। तो वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सैनिक प्रकोष्ठ सम्मेलन में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठक करते हुए डिंपल यादव को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए अपील की है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने जहां डिंपल यादव को मैदान में उतारा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो रघुराज सिंह शाक्य प्रत्याशी बन गए हैं, जिसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद ही इस लोकसभा उपचुनाव की प्रचार की कमान संभाली है, जिसको चलते आज वह समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे जहां सैनिक प्रकोष्ठों के साथ एक बैठक आयोजित हुई है, जिसमें सभी सैनिकों ने उन्होंने संबोधित करते हुए कार्यक्रम को सैनिकों से बात की। उन्होंने बताया कि जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे उनके द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसकी पूर्व सैनिक अभी भी सराहना करते हैं और मैनपुरी के लोग उनको उस निर्णय के लिए बधाई और धन्यवाद देते हैं। सैनिक जो शहीद होते थे उनका पार्थिव शरीर कभी उनके घर तक नहीं पहुंचता था, जब से नेताजी ने यह निर्णय लागू किया है तब से लगातार शहीद की शहादत में उसका पार्थिव शरीर उनके घर आने लगा और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसको अंतिम विदाई दी जाती है। आज सैनिक प्रकोष्ठ कार्यक्रम में डिंपल यादव के लिए जहाँ जनसंपर्क किया अखिलेश यादव ने और सभी पूर्व सैनिकों ने भी आश्वासन दिया है कि भारी बहुमत से डिंपल यादव को मैनपुरी से विजयी बनाया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए मैनपुरी से मनोज कुमार। तो वहीं भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रभारी ने कांग्रेस को बड़ा चैलेंज दे दिया है। उन्होंने कहा कि अगर दम है तो ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करके दिखाओ, वो जेल में रहेंगे और हम लोग चुनाव भी जीतेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव जिसमें एक जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसे लेकर पूर्व मंत्री मोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, पूर्व मंत्री मोहन अग्रवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार में दम है तो हमारे प्रत्याशी को गिरफ्तार कर दिखाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारा प्रत्याशी जेल में रहेगा फिर भी हम चुनाव जीत कर दिखाएंगे। जी हाँ, यह बयान पूर्व मंत्री मोहन अग्रवाल ने दिया है। इतना ही नहीं, मोहन अग्रवाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार
हमारे प्रत्याशी को एक षड्यंत्र के तहत फंसा रही है, जिसका इस रेप केस से कोई लेना लाता नहीं। जी हाँ, यह बयान साथ ही साथ बिजमोहन अग्रवाल ने दिया है। बिजमोहन अग्रवाल ने इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अच्छी साठगांठ है, जिसके तहत एक साजिश के तहत हमारे प्रत्याशी को फंसाया जा रहा है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज। तो वहीं माफियाती कयामत के खिलाफ बुधवार को पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। तो प्रयागराज के झूंसी स्थित हवेलिया में 1,28,00,00,000 की अति कयामत और उसके रिश्तेदारों की बेनामी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी। संगम नगरी प्रयागराज में आज भूमाफिया अति कयामत के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 13 बीघा जमीन को कुर्क किया गया है। धूमनगंज पुलिस बाकायदा यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई उसने की है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये जो भूखंड है, ये जो आपको देख रहा है करीब 13 बीघा है, जिसकी जो अनुमानित कीमत है वो 1,23,00,00,000 के आसपास बताई जा रही है। और इसी भूखंड को आज बाकायदा प्रशासनिक अमला पूरे पुलिस दल बल के साथ यहाँ पे पहुँचा और उसने कुर्क की कार्रवाई की है। बाकायदा यहाँ पे नोटिस बोर्ड चस्पा कर दिया गया है और इस कार्रवाई के तहत न सिर्फ ये सूचना भी प्रसारित कर दी गई है कि ये ज़मीन कुर कर दी गई है, 13 बीघा ये ज़मीन है जो अतीक के पिता और उनके चाचा के नाम पर है। अतीक के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में लगातार कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है और बाकायदा इसने कुर की कार्रवाई की है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। अब तक संगम नगरी प्रयागराज में अतीक के खिलाफ ही करीब 500 करोड़ से ज़्यादा की एक कुर्की या अलग अलग कार्रवाइयाँ हो चुकी है और उसी कड़ी में आज 1,23,00,00,000 की एक बड़ी भू संपत्ति को कुर किया गया है जो करीब 13 बीघा के आसपास है। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सरकार में आते ही मुख्यमंत्री बनते हुए भू माफियाओं और इस तरह की माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया था, वो कहीं ना कहीं अमली जामा पहन रहा है और लगातार कड़ा संदेश दे रहा। और उसी कड़ी में प्रयागराज में आज सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद और उनसे जुड़े लोगों की करीब 13 बीघा जमीन, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1,23,00,00,000 के आसपास है, उसे कुर किया गया है। और ये साफ संदेश दिया गया है कि आने वाले दिनों में इस तरह के जो अपराधी हैं उन पर इससे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से अतीक अहमद और उनके परिवार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, वो एक बड़ा संदेश दे रही है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सख्त निर्देश है उसमें प्रशासन और भी बड़ी कार्रवाई करेगा। श्वेवरिज भी नवाई प्रयागराज। तो वहीं ललितपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को ताल बेहट पुलिस और आबकारी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कबूतरा डेरा पर छापा मारा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रूपेश जैन। जनपद ललितपुर में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसको लेकर ललितपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आबकारी विभाग एवं तालबेहट कोतवाली पुलिस ने कबूतरा डेरा पर संयुक्त रूप से छापेमारी की है, जिसमें 500 लीटर अवैध शराब के साथ हजारों लीटर पुलिस ने लहन नष्ट किया है। इतना ही नहीं, ललितपुर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ जारी है। ललितपुर से इंडिया वॉइस के लिए रूपेश जैन। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।